ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और साउथ जोन पुलिस ने मिलकर आज से 3 दिन का जॉब मेला का आयोजन किया। इस जॉब मेला में 150 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया। इस जॉब मेला में जीएचएमसी मेयर, डिप्टी मेयर, जीएचएमसी कमिश्नर और एआईएमआईएम एमएलएस और कॉर्पोरेटर्स भी थे। ये जॉब मेला 3 दिन तक रहेगा। हैदराबाद के जनता से अपील है कि वो इस जॉब मेला में भाग लेकर अपने लिए अच्छी जॉब लिए। रोजगार के लिए परेशान है इस सरजमीन पे, सबसे भयानक अगर कोई मसला है, सबसे अहम जो मसला है वो बेरोजगारी के खात्मे का मसला है। और इस खात्मे के लिए जरूरी है कि हुकूमत के पास सरकारी जायदादें भी हजारों की तादाद में खुलने वाली है, और जो कंपनियां हैं प्राइवेट लिमिटेड, उन कंपनियों के पास भी बहुत सारे जायदादें हैं, और थोड़े थोड़े जिनको उनसे राबते कायम करके अगर ऐसे जॉब मिले मुनद हों तो मैं समझता हूँ कि साउथ जोन में कम से कम 50% लोगों को रोजगार मिल सकता है। आज हमारी कोशिश है कि हम चाहते हैं कि साउथ जोन में नौजवान लड़के लड़कियों को एक अच्छा मौका मिला है, ये जॉब मेला एक सुनहरी मौका है, इससे इस्तेफादा करें, इससे फ़ायदा उठाएं और आप इंटरव्यू में आए। इसमें हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, ग्रेजुएशन MBA, MCA, ITI के और तमाम लोगों को इसमें मौका फराहम किया जा रहा है। मेरी गुजारिश है आप लोगों से, नहायत ही नज्म व ज़ब्त के साथ आप डिसिप्लिन के साथ आप फॉर्म्स हासिल कीजिए, इंटरव्यू दीजिए और इस जॉब मेले में आप मुकम्मल तौर पर कामयाब हो। मैं बल्दिया के जिम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूं और कोशिश हमारी यही है कम से कम साल दो साल में साउथ जोन में एक ऐसा जॉब मेला होते रहे ताकि नौजवानों को रोजगार का मौका मिल सके और उनका मुस्तकबिल रोशन हो सके। मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ है। मुझे तवक्को है कि आज के जॉब मेला में साउथ जोन में हजारों की तादाद में या सौ की तादाद में लोगों को रोजगार फराहम होगा। हुकूमत के जानिब से, जीएचएमसी के जानिब से आज जॉब मेले में आए हर एक नौजवान, मेरी बहन को, मेरे भाइयों को, सबको मेरे तरफ से, सरजमीन तेलंगाना के तरफ से सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, आज जीएचएमसी इंस्पायर लेकर कहाँ पर भी आप हिंदुस्तान में देखिए, कोई म्युनिसिपैलिटी आपको इतना बड़ा मौका नहीं देती। आज जीएचएमसी आपको बुलाकर, आपके घर के पास बुलाकर, आपको यहाँ पर जॉब मेला लगाकर आपको मौका दे रही है। गुज़िश्ता इससे पहले एक कहाँ पर गई जगह नौकरी है बोल के मालूम हुआ तो वो कंपनी कहाँ पर है, किधर पर है, वहाँ मालूम कर कई घंटे अपने को वहाँ पर क्यू में ठहर के, आज अपन घंटे घंटे क्यू पे ठहर के रहने का वक्त आता रहना पड़ता था।